डिस्कवर विद विक में आपका स्वागत है और मैं विक्रम सिंह आज आपको बताऊंगा पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड। सन 1954 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के युवा डॉक्टर उम्मीदवार ह्यूग एवरेट तृतीय ने पहली बार समानांतर ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स का विचार दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे अपने ब्रह्मांड की तरह दूसरे कई समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं और वह सभी ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से संबंधित भी हो सकते हैं। दरअसल हमारा ब्रह्मांड किसी शाखा की तरह दूसरे ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ है। सभी ब्रह्मांड एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हैं जैसे हमारा अपना ब्रह्मांड सबके साथ जुड़ा है। इन समानांतर ब्रह्मांडों के भीतर हमारे ब्रह्मांड की मौजूदा परिस्थितियां आज जैसी भी हैं, दूसरे ब्रह्मांड में उससे अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारे ब्रह्मांड में अभी जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं वह दूसरे किसी ब्रह्मांड में फल फूल रही हो सकती हैं। किसी ब्रह्मांड के भौतिकी के नियम हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं या हमारे नियमों से पूरी तरह विरुद्ध भी हो सकते हैं। वैसे तो यह विचार दिमाग चकरा देने वाला है लेकिन अभी भी समझने के योग्य है। इस थ्योरी के मुताबिक आपके कई प्रतिरूप हो सकते हैं। मान लीजिए आप इस ब्रह्मांड में यह वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है हमसे 5 समानांतर दूसरे किसी ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देख चुके हैं और अन्य किसी ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देखने ही वाले हैं। अन्य ब्रह्मांड में आप लंच कर रहे होंगे तो अन्य में डिनर। किसी ब्रह्मांड में आप गाड़ी चला रहे होंगे तो किसी अन्य में बस में बैठे होंगे। कोई भी संभावनाएं जिन्हें आप सोच रहे हैं और जिन्हें आप नहीं सोच रहे हैं वह सभी समानांतर ब्रह्मांड में अभी घटित हो रही हैं। इन अनंत संभावनाओं में से कोई एक संभावना आपके लिए सच्चाई बन जाती है। बाकी सब संभावनाएं अन्य ब्रह्मांड में घटित होकर उनकी सच्चाई बन जाती हैं। जैसे कि आप यह वीडियो देख रहे हैं यह आपकी सच्चाई है। वैसे आप चाहते हैं तो कुछ और भी कर सकते थे। इस ब्रह्मांड में आपकी क्रिया ही आपका आने वाला परिणाम निश्चित करती है। अगर एवरेट की थ्योरी सही है तो जब हम कोई एक्शन लेते हैं या क्रिया करते हैं तब ब्रह्मांड में होने वाले परिणामों का विभाजन हो जाता है। यह तभी होता है जब कोई व्यक्ति क्रिया नहीं करता। उसका क्रिया ना करना भी एक एक्शन ही है। इसका मतलब आपके साथ कभी भी ऐसे हालात हो गए हों जिनमें आपका मौत का परिणाम हो सकता था तो दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप मर भी चुके हैं या किसी ब्रह्मांड में आपका जन्म ही नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभी जुड़े हुए समानांतर ब्रह्मांड किसी एक विशाल मल्टीवर्स यूनिवर्स में मौजूद हो सकते हैं। इस मल्टीवर्स में सारे ब्रह्मांड छोटे बुलबुलों के रूप में होते हैं। हर एक बुलबुला बड़े आकार में फैलता रहता है, मतलब हर एक ब्रह्मांड का विस्तार होता रहता है। लेकिन इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए अभी किसी तरह के कोई भी पक्के सबूत नहीं हैं। मल्टीवर्स के बारे में मैं भविष्य में जरूर बताऊंगा। ज्यादातर लोग समानांतर ब्रह्मांड के विचार को पसंद करते हैं क्योंकि यह विचार एक ऐसी दुनिया के बारे में होता है जिसमें दूसरा मौका मिलने की संभावना होती है। इस ब्रह्मांड में तो अपनी गलती कर दी लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में तो आप उसे सुधार ही लेंगे या होने ही नहीं देंगे। मुझे तो यह बहुत ही पसंद है। काश यह सच भी हो।